शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लायक कोई नौकरी होगी तो हम आपको बता देंगे। ये यहाँ किस लिए आई थी? नौकरी के लिए। इंदु आजकल काम की तलाश कर रही है तो सोचा तुम्हें बता दूं। वैसे पति का नाम लिखा नहीं है उसने। थैंक यू। क्या क्या नहीं किया मैंने इंदु के लिए। एक अनाथ बेघर को घर दिया, सोसाइटी में इज्जत दी, बदले में उसने मुझे क्या दिया? दो सड़क छाप बच्चों के लिए मुझे छोड़ दिया। पापी वापस जरूर आएगी। आपके बोलने से आएगी? ना जी, मेरा आइडिया आजमाने से आएगी। तुम ये काम करो, पापी जी को तलाक की एक कड़क नोटिस टोक दो, सारी अकल निकल जाएगी, मुंह में मंगलसूत्र थामे दौड़ी चली आएगी। इंडियन औरतें अपना कर टूटते देख के टूट जाती हैं, समझे? वापस आ जाएगी ना? आप कुछ मत सोचिए, एक डिवोर्स नोटिस भेज दीजिए। ये क्या है इंदु? नवीन ने तलाक के कागज भेजे, तुमने साइन कर दिए? हाँ, शादी करते वक्त भी इतना कहाँ सोचा था जो अब सोचती। ये जो रिश्तों के भूत होते हैं ना इंदु, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। साथ रह के तो अच्छी बीवी नहीं बन पाई, हो सकता है अलग होके सुख दे पाऊं। मैं करती हूँ। आइए। सोडी जी, बच्चों को लेने आए, सरकारी निगरानी में रखना होगा, लेके जाओ इनको। पर क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप नेक्स्ट फ्लाइट से। सोडी जी, ये झूठ है, आपको नवीन ने भेजा है। छोड़िए उनको, नवीन ने भेजा आपको, नवीन ने भेजा है। इमरजेंसी का वक्त है, बहस करने का टाइम नहीं है। डालो बच्चों को अंदर। ठीक नहीं कर रहे।
मातरम। अरे नाना जी आप बैठिए। हिम्मत इंडिया के साथियों, अपनी मातृभूमि में गुनहगारों की तरह भेस बदल बदल कर अलाहाबाद से यहां तक पहुंचा हूं। खैर, मेरी छोड़ो मृत्यु के सामने ही नई जिंदगी है। मुझे गर्व है कि तुम सब भारत देश की दूसरी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो। सरकार ने इमरजेंसी थोपकर जनता की जो आवाज दबाई थी वो आज आक्रोश की फसल बनकर उगाई है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। अब एक अनोखा मौका आया है, अ न्यू चैलेंज। गवर्नमेंट में हमारे कुछ सपोर्टर्स ने हमें बताया है कि पीएम ने फॉरेन डेलीगेट को बुलाकर गौरव सभा का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस में बेशर्मी से झूठ बोला जाएगा और प्रचार होगा कि देश में सर्वत्र लोकतंत्र की लहर है और इस आजाद देश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। तो हमें उन विदेशियों के सामने झूठ के इस उत्सव को उध्वस्त करना ही होगा। आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। लेकिन नाना जी, सत्याग्रह और शांति से कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी को 15 महीने हो गए हैं और ऐसे ही चलता रहा ना, 1 साल 2 साल तो लोग मरते रहेंगे, डरते रहेंगे, हमारे लीडर्स जेल में सड़ते रहेंगे, हम लोग कब तक पर्चियां बांटते रहेंगे? स्टॉप इट शिवम। शिवम, गुस्से में बड़ी ताकत होती है, गुस्सा बचा कर रखो। और याद रहे कि शुरुआत से हमने फैसला किया है कि हथियार ना उठाना ही हमारा हथियार होगा। लेकिन हाथ जोड़ के तो हमें कभी हक नहीं मिलेगा। शिवम, अब और कोई बहस नहीं। तो हम उस विदेशी डेलीगेशन के सरकारी तमाशे में जोर शोर से विरोध करेंगे और उसकी प्लानिंग आज से शुरू की जाए, ठीक है? जी, बिल्कुल। नाना जी। इंदु, मेखला ने तुम्हारी आप बीती बताई। अफसोस, हमारा संगठन तुम्हें उन बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटी, वो झरना होता है ना, झरना पहाड़ों से गुजर कर भी अपना रास्ता निकाल लेता है, किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में। नाना जी, मैं समझी नहीं। मैंने सुना है कविताएं लिखती हो, अपने आक्रोश को आंसुओं में ढालकर कुछ भी लिख सकती हो। क्रांतिकारी कविताएं लिखो। इंदु, भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है, तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके।